हाय फ्रेंड्स, दिस बीबी दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 5 डेजर्ट कूलर के बारे में, जिसको आप आपका घर के लिए परचेस कर सके। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, वहां पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी समर सीजन आ गया तो आप भी प्लान कर रहे होंगे एक डेजर्ट कूलर खरीदने के लिए, जो कि आपका बड़ा सा रूम को अच्छा तरीके से कूल कर पाए। तो यहाँ पे मैं आपको सभी एंगल्स से सिलेक्ट करके बेस्ट 5 डेजर्ट कूलर बताऊंगा, जो आपका रूम के लिए या आपका घर के लिए परफेक्ट रहेगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले डेजर्ट कूलर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका लार्ज रूम है, जैसे मिनिमम 300 से 400 स्क्वायर फीट का रूम है या हॉल वगैरह बड़ा है, तो जगह में अगर आप डेजर्ट कूलर लगाएंगे तो आपका रूम को परफेक्टली कूल कर पाएगा। एंड सेकेंड, अगर आपका एरिया का टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री या मैक्सिमम 46 डिग्री तक है, तब जाके डेजर्ट कूलर जो है अच्छा तरीके से काम करेगा। अगर उससे टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो कूलर प्रॉपरली आपको कूलिंग नहीं दे पाएगा। एक कूलर का बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप जो जगह में उसको इंस्टॉल करेंगे वहां पे वेंटिलेशन होना जरूरी है। मीन्स अगर आप कोई हॉल में लगाते हैं तो जो हवा का जाना आना, जैसे आपका दरवाजा है, खिड़की है, वो थोड़ा बहुत खुला रहना चाहिए। अगर रूम के अंदर हवा बाहर से आता है तब जाके कूलर परफेक्ट रिजल्ट दे पाएगा। अगर आप एक बंद रूम में या थोड़ा बहुत वेंटिलेशन है ऐसा वाला रूम में अगर आप कूलर को इंस्टॉल करेंगे वो परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। अगर आप कोई कोस्टल एरिया में रहते हैं जहाँ पे हवा में नमी रहता है, तो वो जगह में भी कूलर आपको परफेक्ट कूलिंग नहीं दे पाएगा। अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं या ड्राई क्लाइमेट जो रहता है वो एरिया में रहते हैं, तब जाके कूलर आपको परफेक्ट कूल दे पाएगा। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक डेजर्ट कूलर लेते हैं जिसका मोटर ज्यादा पावरफुल है, मीन्स उसका आरपीएम ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा नॉइज करेगा। जैसे कि अगर आप एक घर में फैन चलाते हैं और उसको फुल स्पीड में चलाते हैं, वो जितना आवाज करता है डेजर्ट कूलर जो है उसका 4-5 गुना ज्यादा आपको आवाज करेगा। मींस जो आइडल नॉइज रहता है डेजर्ट कूलर का वो 70-80 डीबी तक रहता है। तो आपको अगर डेजर्ट कूलर लेना है तो उतना जो नॉइज है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना नॉइज मिनिमम एक डेजर्ट कूलर में आता है। तो अगर आप ज्यादा पावरफुल मोटर लेंगे तो उसका आरपीएम ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा नॉइस करेगा, बट वो जगह में वो अच्छा कूलिंग आपको दे पाएगा। तो ये चीज में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सभी एंगल से फाइनल करके आपको बेस्ट 5 डेजर्ट कूलर बताने वाला हूँ। तो ये रेस में हमारा नंबर 5 में है हैवेल्स डेजर्ट एयर कूलर 55 लीटर। तो ये एयर कूलर में आपको फैन मिलता है, जैसे कि नॉर्मली जो हमारा पर्सनल कूलर या टावर कूलर रहता है तो उसमें ब्लोअर रहता है, बट डेजर्ट कूलर में आपको फैन ही मिलता है। तो ये फैन में 4 ब्लेड है और कंपनी के हिसाब से इसका नॉइस लेवल जो है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर कूलर्स। तो इसका पावर कंजप्शन का बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो कूलर है ये 220 वाट का है और कंपनी के हिसाब से ये इन्वर्टर कंपेटेबिलिटी है। मीन्स अगर आपका घर का इन्वर्टर पॉइंट में आप इसको कनेक्ट करते हैं तो पावर आउटेज के टाइम में भी ये कूलर को इन्वर्टर में आप चला सकते हैं। तो ये कूलर में आपको हनीकम का कूलिंग पैड मिलता है जो कि 3 साइड में रहता है। जैसे कि ये डेजर्ट कूलर है तो इसका जो कूलिंग पैड है 3 साइड में रहता है, तो कंपनी यहाँ पे हनीकम का कूलिंग पैड प्रोवाइड किया है। और इसका टैंक कैपेसिटी जो है ये 55 लीटर्स का है। अगर आप ये कूलर को फुल टैंक करते हैं तो ये लगभग 8-9 घंटा तक आराम से चल जाता है। और इसमें ऑटोफिल वाटर सप्लाई का फैसिलिटी भी है, मीन्स अगर आपका पानी खत्म हो जाता है तो अगर आप कनेक्शन करके रखते हैं तो ये ऑटोफिल भी कर देता है। तो ये कूलर का एयर फ्लो रेट जो है ये 3500 मीटर क्यूब पर आवर है, मीन्स आपको अच्छा डिस्टेंस में भी ये हवा आराम से दे पाएगा। और कंपनी यहाँ पे इसके ऊपर आपको 1 साल वारंटी देता है। ये एयर कूलर में आपको आइस चैम्बर मिल जाता है, उसमें आप आइस क्यूब वगैरह डाल सकते हैं और आपका कूलिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर हम ये एयर कूलर का वेट के बारे में बात करते हैं तो ये काफी वजनदार है, जैसे कि इसका वेट जो है वो 25 किलो 900 ग्राम का है। और फाइनली ये एयर कूलर का प्राइस के बारे में हम बात करते हैं, ये आपको 12,325 रुपए में मिल जाता है। बट प्राइस जो है ये ऊपर नीचे होता रहता है, मैक्सिमम आप देखे होंगे जो ऑनलाइन प्राइस रहता है या ऑफलाइन प्राइस रहता है ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट लिंक दिया हूँ, वहां पे जाके चेक करेंगे तो करंट डेट में आप इसका प्राइस जान सकते हैं। तो ये रेस में हमारा नंबर 4 में है बाजस डीसी 55 DLX 54 लीटर डेजर्ट एयर कूलर। तो ये डेजर्ट कूलर में भी आपको फैन मिल जाता है और यहाँ पे टर्बो फैन टेक्नोलॉजी दिया गया है।
जो कि फैन को अच्छा तरीके से ये बूस्ट कर पाता है और आपको अच्छा हवा दे पाता है। अगर हम पावर कंजप्शन का बात करते हैं तो ये 190 वाट का है, मीन्स इसको आप आराम से आपका इन्वर्टर पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंपनी कोई भी जगह में मेंशन नहीं किया है कि ये इन्वर्टर कंपेटिबिलिटी है। अगर हम कूलिंग पैड का बात करते हैं तो 3 साइड में आपको हनीकम का कूलिंग पैड मिलता है एंड इसका टैंक कैपेसिटी जो है वो 54 लीटर का है। तो कंपनी यहाँ पे हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी दिया है ये कूलर में, जैसे कि ये हेक्सागोनल डिजाइन का है और ये लो वाटर कंजप्शन करता है, मीन्स अगर आप ये 54 लीटर पानी भर देते हैं ये एयर कूलर में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 घंटा तक चलता है। मीन्स अगर आप एक बार में ये कूलर में पानी भरते हैं तो लगभग अगर आप मॉडरेट यूज करते हैं तो 2 दिन तक भी चल जाएगा। अगर ये कूलर का बॉडी मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो ये थर्मोप्लास्टिक में बना है, मीन्स आप इजीली इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं एंड ये कूलर आपको 1 साल वारंटी के साथ मिलता है और इसमें भी आपको आइस ट्रे मिलता है, मीन्स उसमें आप आइस क्यूब वगैरह डाल सकते हैं और आपका कूलिंग को और थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। अगर हम इसका वेट के बारे में बात करते हैं तो ये भी 18 किलो 500 ग्राम का है, मीन्स ये भी थोड़ा बहुत वजनदार है। और लास्ट में इसका अगर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये 11,250 रुपये में आपको मिलता है, बट जैसे मैं आपको बताया प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका बेस्ट लिंक दिया हूँ, वहां से जाके इसका करंट प्राइस आप पता कर सकते हैं। तो ये रेस में हमारा नंबर 3 में है क्रॉम्पटन ओरा वुड वूल 55 लीटर डेजर्ट कूलर। तो ये कूलर में भी आपको फैन मिल जाता है और यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है ये 190 वाट का है, मीन्स इसको आराम से आप आपका इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं और कंपनी के हिसाब से भी ये इन्वर्टर कंपेटिबिलिटी है। और यहाँ पे जो कूलिंग पैड यूज किया गया है ये वुड वूल का है, मीन्स जैसे नॉर्मली आज के टाइम में मैक्सिमम जो कूलर में आपको कूलिंग पैड मिलता है वो हनीकम का मिलता है, बट ये कूलर में आपको वुड वूल का कूलिंग पैड मिलता है। अगर हम टैंक का कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो 55 लीटर का पानी आप इसमें भर सकते हैं और इसमें एक आइस चैम्बर दिया गया है जिसमें आप आइस क्यूब वगैरह डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका एयर फ्लो रेट का बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4200 मीटर क्यूब पर आवर का आपको एयर फ्लो मिलता है, मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा हवा इसमें मिलेगा, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस में भी बैठते हैं तो भी प्रॉपरली आपको हवा मिल पाएगा। और इसका बॉडी के बारे में बात करते हैं तो इसका बॉडी ABS एंड थर्मोप्लास्टिक में बना है, मीन्स आप आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसका जो वाटर टैंक है ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटा तक चलता है, मीन्स फुल पानी अगर आप भरते हैं तो 8-9 घंटा तक ये पानी जो है वो चलता है। अगर हम इसका वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका वेट काफ़ी कम है, जैसे कि ये 9 किलो 800 ग्राम का है और कंपनी यहाँ पे आपको 1 साल वारंटी देता है। अगर हम फाइनली इसका प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये आपको 8,999 रुपया में मिल जाता है। जैसे कि इसका जो कूलिंग पैड है ये वुड वूल का है तो इसीलिए इसका प्राइस भी कम है, बट इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जैसे कि इसका जो एयर फ्लो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स अगर आप दूर में भी बैठते हैं तो भी आपको अच्छा तरीके से हवा मिल पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो प्राइस बताया ये भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका करंट प्राइस जो है पता कर सकते हैं। तो ये रेस में हमारा नंबर 2 में है सिंफोनी सिएस्टा 70XL डेजर्ट एयर कूलर। तो ये कूलर में भी आपको फैन मिल जाता है। अगर हम इसका पावर कंजप्शन के बारे में बात करते हैं तो ये 150 वाट का है, मींस ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। अगर हम इसका टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप 70 लीटर का पानी भर सकते हैं, बट इसका फुल टैंक एम्प्टी होने के लिए 9-10 घंटा टाइम लेता है। और कूलिंग पैड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साइड में हनीकम का कूलिंग पैड मिलता है। ये कूलर इन्वर्टर कंपेटिबिलिटी है, मीन्स जैसे ये 150 वाट का है तो आराम से आप आपका इन्वर्टर पॉइंट में इसको कनेक्ट कर सकते हैं और पावर आउटेज के टाइम में इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और इसका बॉडी जो है ये प्लास्टिक बॉडी है, मीन्स आप इजीली इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं। और इस पे जो फैन दिया गया है ये 16 इंच का फैन है, मीन्स इसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी के हिसाब से यहाँ पे आपको IPR टेक्नोलॉजी मिलता है, जैसे कि डस्ट फिल्टर आपको मिलता है, स्मेल फिल्टर मिलता है, एलर्जी फिल्टर मिलता है, बैक्टीरिया फिल्टर मिलता है एंड वॉश फिल्टर मिलता है, बट प्रैक्टिकली डेली लाइफ में आपको ये सब टेक्नोलॉजी या कुछ भी पता नहीं चलेगा, मीन्स जैसे नॉर्मली कूलर काम करता है ये भी आपके लिए ऐसा ही काम करेगा। ये डेजर्ट कूलर का कूलिंग कवरेज एरिया जो है 110 मीटर क्यूब का है। तो कंपनी यहाँ पे आपको 1 साल वारंटी देता है। अगर हम इस कूलर का वेट के बारे में बात करते हैं तो ये 12 किलो 100 ग्राम का है। एंड फाइनली अगर हम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये कूलर आपको 11,550 रुपये में मिल जाता है। और ये कूलर का भी बेस्ट लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाके करंट डेट का प्राइस भी आप पता कर सकते हैं। तो ये रेस में हमारा नंबर 1 में है।
क्रॉम्पटन ओजन 55 लीटर इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी डेजर्ट एयर कूलर। तो ये कूलर में भी आपको फैन मिल जाता है और इसका पावर कंजप्शन जो है 190 वाट का है। मीन्स इजीली आप इसको इन्वर्टर पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं और कंपनी के हिसाब से भी ये इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी है। तो ये जो एयर कूलर है ये आपको तीन मॉडल में आता है, मीन्स जैसे 55 लीटर, 75 लीटर एंड 88 लीटर, और बाकी सब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब सेम है। तो यहाँ पे जो कूलिंग पैड आपको मिलता है वो हनीकॉम का है और तीन साइड में आपको कूलिंग पैड मिलता है। और इसका जो बॉडी है वो प्लास्टिक में बना है और ये रॉस्ट फ्री है, मीन्स आप इजीली इसको क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसका एयर फ्लो रेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4250 मीटर क्यूब पर आवर का एयर फ्लो मिलता है, मीन्स अगर आप काफी डिस्टेंस में भी बैठेंगे तो भी आपको प्रॉपर कूलिंग मिल पाएगा। तो ये कूलर में भी आपको एक आइस ट्रे मिल जाता है जिसमें आप आइस क्यूब वगैरह डाल सकते हैं और आपका कूलिंग एक्सपीरियंस को काफी एनहांस कर सकते हैं। और ये 55 लीटर का टैंक में अगर आप पानी फुल भर देते हैं तो ये 9 घंटा में ही एम्प्टी होता है, मीन्स 9 घंटा तक ये चल पाता है। ये कूलर भी आपको एक साल वारंटी के साथ मिलता है। और ओवरऑल अगर इसका वेट के बारे में बात करते हैं तो ये काफी लाइट वेट है, ये 5 किलो 300 ग्राम का है। एंड फाइनली अगर हम इसका प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये 55 लीटर का ये जो कूलर है इसका प्राइस 9599 रुपये है। मीन्स ये कूलर काफी लाइट वेट है, प्राइस भी कम है और उसके साथ साथ इसका जो पावर है फैन का वो बहुत ही ज्यादा है, मीन्स ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाके भी आप इसका करंट प्राइस जो है पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉप 5 डेजर्ट एयर कूलर के बारे में। तो ये कूलर के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत टिप्स देना चाहता हूँ। आपका कूलर जो है वो स्मेल करना चालू कर देता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि डेजर्ट कूलर में आपको तीन साइड में तीन कूलिंग पैड मिलता है, तो उसको आप हर दो दिन में एक बार निकालिए और अच्छा तरीके से क्लीन कीजिए। और सेकेंड, अगर आप कूलर में पानी भरते हैं तो पहले उसका जितना भी पानी बचा है उसको ड्रेन कर दीजिए, उसके बाद उसका कैप लगा दीजिए और फिर से पानी भरिए। मीन्स आप कूलर में जब भी पानी भरेंगे जितना रेस्ट पानी बचा है उसको ड्रेन करना आपको जरूरी है। अगर वो पानी ड्रेन करके आप फ्रेश पानी भरते हैं तो आपका कूलर जो है स्मेल ज्यादा नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ।